से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां आईएएस संजीव हंस को विशेष न्यायालय लाया गया है। ईडी की टीम गिरफ्तार कर चुकी है आईएएस को और विशेष न्यायालय में लाया गया है। रिमांड अवधि को बढ़ाने को लेकर कोर्ट पहुंची हुई है टीम। 7 दिन की रिमांड पर आईएएस संजीव हंस पहले से थे, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाने की मांग के साथ टीम की मौजूदगी इस वक्त दिखती हुई कोर्ट परिसर में। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तार किए गए हैं संजीव हंस। तो संजीव हंस की गिरफ्तारी के बाद 7 दिनों की रिमांड मिली थी और इसी 7 दिनों के रिमांड के दौरान पूछताछ की गई, लेकिन इसे भी बढ़ाने की मांग के साथ इस वक्त टीम की मौजूदगी कोर्ट में। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, क्या पेशी हो चुकी है? 7 दिनों की रिमांड मिली हुई थी, अब कितने दिनों की रिमांड की मांग की जा रही है? देखिए, बिल्कुल पेशी हो गई है। और दरअसल इस पूरे मामले में जो 3 अन्य कल्पित गिरफ्तार किए गए हैं, शादाब खान है, प्रवीण चौधरी हैं और एक अन्य शख्स जिसके संजीव हंस से काफी करीबी रिश्ते बताए जाते हैं, तो इन्हें कल ही ईडी ने रिमांड पर लिया है। कल शाम इनको लेकर ईडी की टीम पहुंची है अपने रीजनल ऑफिस में और अब ईडी की टीम चाहती है कि और रिमांड की अवधि बढ़ाई जाए ताकि इन तीनों से जो इनके रिश्ते हैं इनसे इस पर पूछताछ किया जा सके, क्योंकि पर्याप्त पूछताछ अभी नहीं हो पाई है। गुलाब यादव जो पूर्व एमएलए हैं, उनका भी रिमांड अभी बचा हुआ है, तो ईडी की टीम चाहती है कि इनको और रिमांड की जो अवधि है वो बढ़ाई जाए। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट इस बारे में क्या फैसला करता है। अगर रिमांड की अवधि बढ़ती है तो क्या फिर से इनको रीजनल ऑफिस ले जाया जाएगा, क्योंकि कई तरह के सवाल हैं जिस पर ईडी संतुष्ट होना चाहती है और अभी जो पूछताछ है वो आधी अधूरी है, इसलिए ईडी ने रिमांड बढ़ाने के लिए प्रे किया है। देखना होगा कोर्ट इस पूरे मामले में अपना क्या रूप दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। अब देश की उन खबरों पर नजर डालेंगे जो सुर्खियों में रही है और सबसे पहले बात करेंगे अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली। धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी तैयब बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी के पिता का नाम मोहम्मद ताहिर है और वो बरेली में सिलाई का काम करता है। आरोपी का परिवार बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में रहता है। गिरफ्त में आया आरोपी 8,000 रुपए महीने की पगार पर सेक्टर 92 में एक कोठी में काम कर रहा था। खबर आपको जम्मू कश्मीर से बताते हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर से जहां आतंकियों की तलाश में सेना और सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है और इस दौरान सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी भी मिली। मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 3 आतंकी को मार गिराया। सोमवार सुबह से ही दोनों ही तरफ से गोलीबारी जारी थी। मारे गए आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। ऐसा ये माना जा रहा है कि आतंकियों का वही ग्रुप है जिसने सोमवार को सेना की गाड़ी पर हमला किया था। तो वहीं सेना का ऑपरेशन अब भी जारी है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। एनएसजी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। और इस बीच अखनूर में चल रही मुठभेड़ में सेना का एक खोजी डॉग फैक्टम आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया। आतंकवादियों ने सोमवार को सेना की गाड़ी पर हमला कर दिया था, जिसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और मुठभेड़ में सेना के खोजी डॉग फैंटम को गोली लग गई और वो शहीद हो गया। अभिनेता अक्षय कुमार ने धनतेरस के मौके पर पीएम मोदी के फिटनेस मंत्र का जिक्र करते हुए लिखा, सर्दी गर्मी धूप बारिश मेरे लिए साल के सभी दिन फिटनेस वाले दिन हैं। कोई बहाना नहीं, कोई समझौता नहीं, ये बहुत ही शानदार है कि हमारे देश के कप्तान लोगों से अपील कर रहे हैं कि फिटनेस को जीने का तरीका बनाएं। आज धनतेरस है और दुनिया में सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती। केरल के तिरुवनंतपुरम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां के मुख्यमंत्री पी विजयन के काफिले की कई गाड़ियां आपस में ही टकरा गई। वहां एक स्कूटर सवार महिला को बचाने के चक्कर में उनके काफिले में सबसे आगे चल रही गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिया और उसकी वजह से एक के बाद एक उस काफिले की सभी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। दरअसल स्कूटर सवार एक महिला कुछ दूर जाने के बाद अचानक रुक गई थी और इसी दौरान वहां मुख्यमंत्री पी विजयन का काफिला भी आ गया। वो महिला को अचानक सड़क से दूसरी तरफ हालांकि मुड़ती हुई दिखती है, लेकिन उन्हें बचाने के चक्कर में मुख्यमंत्री के काफिले में सबसे आगे चल रही गाड़ी ने ब्रेक लगा दी, जिसके बाद काफिले में पीछे चल रही दूसरी गाड़ियों ने भी ब्रेक लगा दिया, जिस वजह से सारी गाड़ियां एक दूसरे से टकराती हुई आपको दिख रही होंगी। इस हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ।
बड़ी खबर केरल से है, जहां नीलेश्वरम में आतिशबाजी के दौरान भीषण हादसा हो गया और इस हादसे में 150 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां पीर बहुर थाना क्षेत्र के एनआईटी मोड़ के पास मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। मेट्रो के सुरंग में 3 मजदूर फंस गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई, दोनों मृतक ओडिशा के रहने वाले। बताया जा रहा है कि हादसा तब हुआ जब निर्माण काम के दौरान सामान लेने जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला लोको मशीन का ब्रेक फेल हो गया। सुरंग के अंदर फंसने से 2 मजदूर की मौत हो गई। हादसे में 5 घायल बताए जा रहे हैं, 1 की हालत अभी भी नाजुक है। मौके पर पहुंचे अधिकारी मामले की छानबीन में जुटे हुए। टनल का काम चल रहा है और उसमें 1 कैजुअल्टी है और 2 हॉस्पिटलाइज हैं, उनको फोर्ड में वो किया गया है। बाकी नीचे में मिट्टी जो स्लाइड कर गया है उसकी वजह से वो फंस गया है, उसमें उसकी डेथ हो गई है। 1 का उनको निकालने का रीजन क्या रहा है, इंसिडेंट के पीछे क्यों हो गया? नीचे में टनल का काम अंडरग्राउंड चल रहा है ना, तो मिट्टी गीली मिट्टी है नीचे में, वो कहीं से खिसक गया होगा, जो उसको पता नहीं चला उसमें वो दब गया है। एक मनोज कुमार हेल्पर था और एक लोको पायलट था, दोनों डेथ कर गया। हेल्पर जो हमारा है उसको रेस्क्यू करके हम लोग सब भाई मिल के निकाले हैं उसको, वो 4 टुकड़ा में अंदर पड़ा है। कोई नहीं है, कोई नहीं है, स्टाफ कोई नहीं है, सब लोग नीचे जाता है। हम लोग 8 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं। लापरवाही जो है स्टाफ लोगों का लापरवाही। तो पटना मेट्रो निर्माण हादसे पर SSP राजीव मिश्रा ने कहा कि मोटराइज्ड वैन का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। लोको पायलट और हेल्पर की इसमें दर्दनाक मौत हो गई। वहीं डीएम ने कहा कि मामले की जांच के लिए ADM लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी काम के दौरान सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच करेगी। में जो है कल रात में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है, जिसमें जो अभी तक जो जानकारी है उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 6 लोग इंजर्ड हैं। जो घटना का कारण है अभी तक की जानकारी में जो बात आई है वो ये है कि जो उनकी एक मोटराइज्ड वैन थी वो जो है उसका ब्रेक फेल कर गया और उसी की वजह से जो है 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, 6 लोग जख्मी हैं जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हाँ, ये जो पटना यूनिवर्सिटी से PMCH की तरफ हम लोगों का अंडरग्राउंड मेट्रो का काम चल रहा है, उसी में रात को 10 बजे एक दुर्घटना हुई है और उसमें जो लोको पायलट थे हमारे उनकी डेथ हो गई है और एक और जो वहाँ श्रमिक काम कर रहे थे उनकी डेथ हो गई है। तो 2 लोगों की डेथ हुई है और 6 श्रमिक जो हैं उसमें घायल हो गए हैं, उन लोगों का इलाज कराया जा रहा है, उसमें से 1 की हालत थोड़ी गंभीर है, बाकी 5 ठीक हैं। और जो 2 कैजुअलिटी हुई है वो उड़ीसा के रहने वाले दोनों श्रमिक थे और उसको नियमानुसार जो मुआवजा दे होगा उसको दिया जाएगा। तो पटना के निर्माणाधीन मेट्रो में हुए हादसे पर नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि 2 लोगों की मौत हुई है, घटना की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तकनीकी खराबी की वजह से हादसे की जानकारी सामने आई है। जिला प्रशासन और मेट्रो के लोग गए थे, विभाग से भी लोगों को वहां पर भेजा गया था और सारी रिपोर्ट मंगा रहे हैं। हम लोगों ने DM को भी कहा है कि इसकी पूरी जांच करके रिपोर्ट दे। पटना मेट्रो के अधिकारियों से भी बातचीत किया है, जो उनके तकनीकी एक्सपर्ट हैं दिल्ली से वो भी आकर रिपोर्ट करें। जो जानकारी दी जा रही है कि लोको पायलट जो था उसका ब्रेक फेल होने के कारण ये घटना घटी है। जो जानकारी अभी तक मिली है कि 2 लोगों की मृत्यु, 1 तो स्पॉट पर हुआ और 1 अस्पताल में हुआ है और 4 लोग अभी अन्य घायल हैं जो अभी अस्पताल में हैं। पूरी तरह से मेट्रो के द्वारा उनकी पूरी देख इलाज की चिंता की जा रही है और हम लोग भी तुरंत उसका जो रिपोर्ट आता है निश्चित रूप से अगर लापरवाही होगी तो कार्रवाई होगी और अगर तकनीकी कुछ कारण है दोनों चीजों का रिपोर्ट हम लोग मंगवा रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर एक सड़क का वीडियो सामने आया है जिसमें एक ब्रेकर की वजह से गाड़ियां हवा में उड़ती नजर आ रही हैं। ये वीडियो दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम का बताया जा रहा है और इस वीडियो में कार और एक ट्रक को हवा में कुछ ऊपर उठते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम गोल्फ कोर्स रोड पर एक ब्रेकर है जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा और यही वजह है कि कार और ट्रक थोड़ी ऊंचाई तक उछलते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज किसान जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कृषि विभाग के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास में किया गया था। किसान को जागरूकता रथ के जरिए रवी और तिलहन फसल से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी।
तो मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि किसानों को बहुत ही ज्यादा इससे सहूलियत हासिल होगी। किसानों की बर्बाद हुई फसल के लिए 100 करोड़ से अधिक की राशि उनके खाते में मुख्यमंत्री ने DBT के माध्यम से भेजना शुभारंभ कर दिया है। सभी के खाते में ये राशि चली भी गई है। आपदा में बाढ़ में फसल बर्बाद हुआ उसको भी सब्सिडी गया, पैसा गया है, और आज इसके माध्यम से लोगों के बीच प्रचार प्रसार का, फसल से संबंधित जानकारी का, आज झंडा दिखा करके गाड़ी को विदा किया गया पूरे बिहार। कितना फायदा होगा किसानों को सर इससे? निश्चित तौर पर जागरूकता उत्पन्न होता है, जिसके फसल बर्बाद हुआ उसको मुआवजा भी सरकार दे रही है। ये तमाम चीज़ों हो, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम छठ के पहले, दीपावली के पहले दे रहे हैं, और आज चला गया धनतेरस के दिन। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं गरीबों को, जिस तरह से उन्होंने पर्व के पहले उस आपदा में मदद किया है, ये बिहार की जनता के लिए एक बड़ी सरकार की ओर से उपलब्ध उपहार है। वहीं पीएम मोदी ने आज रोजगार मेले में सरकारी नौकरी के 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे। रोजगार मेला देश भर में 40 जगहों पर आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार में 217 लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने 51,000 लोगों को नौकरी दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हम नौकरी भी दें और लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराएं, और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल के माध्यम से पूरे देश भर में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र जारी किया है, और बिहार में यहाँ 217 लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने विस्तार से सुना है। रोजगार के सृजन की दिशा में जो अलग अलग क्षेत्रों जो काम हो रहा है, उसकी विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की। बिहार में चुनाव को लेकर नीतीश सरकार पूरे चुनावी मूड में है। पटना के चौक चौराहों सहित कई जगह पर सरकार अपने कार्यकाल में किए गए कामों की जानकारी होर्डिंग के जरिए दे रही है, और इस काम की जिम्मेदारी बिहार सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को सौंपी है। राजधानी के नेहरू पथ सहित सभी जगहों पर सरकार के अलग अलग विभागों में किए गए काम की जानकारी पोस्टर के जरिए लोगों तक पहुँचाई जा रही है। और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सीमितीश कुमार ने किसानों को तोहफा दिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, किसानों को तोहफा मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। बाढ़ प्रभावित किसान के लिए राहत भरी खबर। करीब 1.5 लाख किसानों को 101 करोड़ की राशि भेज दी गई है। किसानों के खाते में ऑनलाइन ये राशि जमा करा दी गई। बता दें कि बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद सरकार नुकसान का आकलन कर किसानों को मुआवजा राशि दे रही है। बीजेपी कार्यालय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में आज रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने कहा कि देश की एकता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कभी भी समझौता नहीं किया। आज उसी तरह पीएम नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। भारतवर्ष की एकता पर कोई भी आंख उठाने का प्रयास करेगा तो पीएम मोदी जी के नेतृत्व में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भाई नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, और आज जिस तरह से देश विरोधी ताकत भारत को खंडित करने का प्रयास कर रहा है, खालिस्तान के नाम पर, जम्मू कश्मीर के नाम पर, जिस तरह से और नॉर्थ ईस्ट में कुछ प्रदेश में जिस तरह से चीन और विभिन्न देशों का साजिश इस देश के विरोध में चल रहा है, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल याद आ रहे हैं कि देश की एकता पर कोई आंख उठाएगा तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि उसके आंख को हम लोग सही सलामत नहीं रहने देंगे। आज भी अगर भारतवर्ष के एकता पर कोई भी आंख उठाने का प्रयास करेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का निशाना डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर जमकर निशाना साधते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोग उनके लिए भारत रत्न मांगते हैं जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की। लालू जी भारत के रत्न हैं, उन्हें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बता दें कि आरजेडी कार्यकर्ताओं की ओर से लालू प्रसाद को भारत रत्न देने के लिए पोस्टर लगाए जाने के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा था। विजय सिन्हा ने बयान
दिया था और इसी बयान पर पलटवार करते हुए सुधाकर सिंह ने ये बात कही। वीर सावरकर के वंशज है विजय सिन्हा, ये लोग जो अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले लोग थे उनके लिए भारत रत्न मांगते रहे हैं जीवन भर, जो भारत की आजादी के खिलाफ थे। विजय सिन्हा का क्या जवाब देना है? लालू प्रसाद जी भारत रत्न हैं, कोई किसी के मोहताज नहीं है। खबर कटिहार से है, जहां अपहरण कर 15 लाख के फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने तमिलनाडु के एक और कटिहार के दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक देसी कट्टा, तीन कारतूस, एक गाड़ी और कई फर्जी पेपर बरामद किए गए। एसपी ने बताया कि पोठिया थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि पूर्णिया होते हुए पोठिया और कुरसेला में मेघालय के राज सिंह मेजाऊ और उनके ड्राइवर को किसी अज्ञात व्यक्ति ने झांसा देकर सुनसान जगह पर ले जाकर अपहरण कर लिया और फिरौती के रूप में 15 लाख रुपए मांगा जा रहा है। पुलिस ने जब सदर डीएसपी के नेतृत्व में मामले पर जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आ गया। कटिहार के गौतम कुमार मिश्रा, विजय कुमार मंडल और तमिलनाडु के सैयद अली जॉन ने मिलकर राज सिंह मजाऊ को भरोसा दिलाया था कि उन लोगों के पास बैंड किए गए 1000 रुपए के नोट का एक बड़ा जखीरा है जिसे 31 दिसंबर तक RBI में बदली किया जा सकता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए इन तीनों ने राज सिंह मजाऊ को कुछ फर्जी कागजात भी दिखाए। इन लोगों ने भरोसा दिया कि नोट बदलते ही उन सभी को एक बड़ा मुनाफा होगा और इस मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा राज सिंह मजाऊ को भी दिया जाएगा। तीन लोगों ने बंधक बना के रखा था और उनसे 15 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। सर समय हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, हम लोगों ने टीम बनाई और उन लोगों को उन बंधक की गिरफ्त से बाहर निकाला और वहाँ पर घटनास्थल से तीन लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और अब आपको देश भर के बाजारों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां धनतेरस पर्व की रौनक देखते ही बन रही है। शुरुआत सबसे पहले गोपालगंज के साथ करेंगे। धनतेरस को लेकर ट्रैफिक रूट में बड़ा बदलाव किया गया है। आज सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक शहर में गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। शहरी इलाके में कार, ई रिक्शा, पिकअप ट्रक के आने जाने पर रोक रहेगी। खासकर डाकघर, चौक, थाना रोड, मेन रोड, चंद्रकोकुल रोड में वाहन की एंट्री नहीं होगी। जिला प्रशासन ने लोगों से पैदल ही मार्केट में खरीदारी करने की अपील की है। धनतेरस के अवसर पर सोने चांदी की दुकानों में सुबह से ही रौनक है। ग्राहक भी सोने चांदी के आभूषण और सिक्के खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार दुकानदारों को सोने चांदी के रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी का अनुमान है और इस बार धनतेरस में 250 से 300 करोड़ के खरीदारी की संभावना है। तो धनतेरस को लेकर पटना के आदित्य विजन शोरूम में ग्राहकों की भारी भीड़ पहुंच रही है और लगातार लोग सामानों की बुकिंग भी कर रहे हैं। सबसे अधिक लोग फोन, वॉशिंग मशीन और फ्रिज की खरीदारी करते हुए दिखे। लाख रुपए तक के आईफोन ऑफिस के लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आदित्य विजन के GM अनुज कुमार ने कहा कि इस बार पिछले साल से ज्यादा बिक्री होने की उम्मीद है। लोग जमकर खरीदारी करते हुए नजर भी आ रहे हैं। ये आदित्य विजन का जो स्लोगन है ना, संबंध भरोसे का, उसी को संबंध को बनाए हुए रहे लोग का इतना जो भीड़ देख रहे हैं, इसीलिए वो भीड़ है आपका। अब तो अभी जो है ज़्यादातर आपका जो बुकिंग हो रही है वो फ्रिज का, टीवी का, वॉशिंग मशीन का। फ्रिज में आपको अच्छा अच्छा जो रेंज है ना, इसलिए कल धनतेरस और आज जो लोग बुकिंग कर रहे हैं इसलिए कि कल भीड़ से बचने के लिए, साइड बाई साइड का रेंज जो है वो थोड़ा कम न हो जाए। लोग सोचते हैं आज ही जाके बुक कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।